हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का मैं मुशाहिद कादरी कम्युनिकेशन स्किल टीचर इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। हम लोगों ने पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझा, उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस के स्टेप को जाना। अब हम आज स्टडी करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में किस एलिमेंट्स की जरूरत होती है? जब एक संप्रेषण होता है, जब कोई मैसेज सेंडर से रिसीवर तक इंटर रिलेटेड चैनल के थ्रू पहुंचता है, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, आइए उसे जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज अ टू वे स्ट्रीट। It requires a sender, a receiver, a message and a channel. जो communication का process है वो two-way होता है। Two-way का sense ये है कि एक sender होगा और दूसरा receiver होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक missing होगा तो communication process नहीं हो सकती है। एक भेजने वाला और एक प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता का होना आवश्यक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस को इसलिए कहा गया है टू वे स्ट्रीट, इट रिक्वायर अ सेंडर। जब कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो इसमें जरूरत होती है एक सेंडर की, एक रिसीवर की, एक मैसेज की, कंटेंट इंफॉर्मेशन की, और एक चैनल की जिसके थ्रू मैसेज को भेजा जाए। सेंडर ताकि मैसेज को भेजने वाला हो, रिसीवर मैसेज को रिसीव करने वाला प्राप्तकर्ता, मैसेज वो कंटेंट, वो इंफॉर्मेशन जो सेंडर रिसीवर को भेजना चाहता है, और चैनल वो माध्यम, वो मीडियम जिसके थ्रू मैसेज को भेजा जाता है। देयर आर सेवरल एलिमेंट्स। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज होने वाले कई एलिमेंट्स को आइए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला है सेंडर, यानी के भेजने वाला। सेंडर इज ए पर्सन हु सेंड्स द मैसेज। सेंडर वो पर्सन होता है, वो शख्स होता है जो मैसेज को, इंफॉर्मेशन को, कंटेंट को भेजता है। ही ऑब्लिक शी इज द इनिशिएटर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड कॉल्ड एनकोडर। ही और शी का इस्तेमाल किया गया। ही हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं मेल के लिए, और शी प्रोनाउन यूज किया जाता है फीमेल के लिए। तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का इनिशिएटर होता है, शुरुआत करने वाला होता है। जब कोई मैसेज डेवलप करता है सेंडर के माइंड में तो कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है, और इसे हम लोग इनकोडर भी कहते हैं। इनकोड कहते हैं मैसेज को परसीवेबल फॉर्म में बनाना, यानी समझने योग्य बनाना, जिसमें मैसेज शॉर्ट हो, सिंपल हो, तो रिसीवर को उस मैसेज को समझना आसान होता है। इसलिए याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि सेंडर को ही हम लोग एनकोडर भी कहते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और सेकंड एलिमेंट है मैसेज। मैसेज इज द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड। मैसेज कहते हैं वो किसी भी कम्युनिकेशन का कंटेंट होता है, इंफॉर्मेशन होता है, जानकारी होती है। इट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड, ये वो इंफॉर्मेशन होती है, वो जानकारी होती है जो दूसरों से शेयर की जाती है,
उनसे बांटी जाती है। इट मे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ वर्बल मेकिंग यूज ऑफ वर्ड्स और नॉन वर्बल विदाउट यूजिंग वर्ड्स। यह या तो वर्बल हो सकता है, वर्बल कहते हैं वैसे कम्युनिकेशन वैसे संप्रेषण को जिसमें अपनी बात को कहने के लिए दूसरों को समझाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं अभी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपके सिलेबस की, मैं वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसे कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। और दूसरा होता है नॉन वर्बल, नॉन का मतलब होता है नहीं, तो वैसा कम्युनिकेशन जहां पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाए बल्कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी बात समझाई जाए। तो मैसेज वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है, यानी बातें इशारे में की जाए। यहां पे जो पिक है, जो इमेज है, उससे रिलेट करके इसको समझना आसान हो जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि मैसेज की एक इमेज बनाई हुई है जो कि एनवेलप है, उसके अंदर सूचना है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है। इसे सेंडर के पास भेजा गया, जब सेंडर इसे ओपन करता है तो उसे मालूम होता है कि कौन से कंटेंट, कौन सा इंफॉर्मेशन उस तक आई है। थर्ड है चैनल। चैनल इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ मीडियम थ्रू विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड। सिलेक्टिंग प्रॉपर चैनल इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैसेज। चैनल जो है वो साधन है कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से आप मैसेज को रिसीवर तक भेजते हैं। ये ऐसा एक प्रोसेस में यूज किया जाता है जिससे कोई भी सेंडर किसी भी मैसेज को रिसीवर तक भेजता है तो वो माध्यम का प्रयोग करता है। सही चैनल को बिल्कुल चुनना किसी भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें यह देखना होगा कि हमारे मैसेज का साइज क्या है, हम अपने मैसेज को प्राइवेसी देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम चैनल का सिलेक्शन करते हैं। सपोज कर लीजिए कि मैसेज बहुत लंबा है, कम से कम 15 लाइन का है, तो मैंने किसी बच्चे को मैसेज भेजवाया कि आप जाकर डायरेक्टर सर को ये कह दें, और वो मैसेज मैंने ओरल दिया। वो बच्चा गया डायरेक्टर सर के चैम्बर तक, पहुंचते पहुंचते वो 7 से 8 लाइन भूल गया कि कहना क्या है, तो मैसेज आधा अधूरा डायरेक्टर सर के पास पहुंचेगा तो वो फिर हो सकता है मीनिंगफुल ना हो, सर को बातें समझ में नहीं आए कि मैसेज भेजा क्या गया है। तो मीडियम वहां पे अगर हम रिटर्न भेजते हैं तो वो प्रॉपर है, क्योंकि उसमें पूरी बातें लिखी हुई होंगी, सिर्फ वो पेपर का पीस उस बच्चे को डायरेक्टर सर तक पहुंचाना है। मैसेज अगर बहुत स्मॉल है, 2 लाइन 1 लाइन का है, और उसमें हमको प्राइवेसी भी नहीं रखनी है, तो हम ओरल भी भेज सकते हैं, और मैसेज को अगर इशारे में भेजना है तो हम हैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोर्स है यानी सेंडर है, जिस सोर्स से किसी मैसेज को भेजा जाने वाला है। कहां तक मैसेज को पहुंचना है, डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को, यानी इसे आप रिसीवर कंसीडर कर सकते हैं, और एक प्रॉपर मीडियम, एक माध्यम, एक चैनल का इस्तेमाल किया गया ताकि मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाए। नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर का मतलब होता है प्राप्त करता, मैसेज को प्राप्त करने वाला। द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। वैसा पर्सन जो मैसेज को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, उसे हम रिसीवर कहते हैं, यानी कि प्राप्त करता कहते हैं।
द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द केयरफुली इंटरप्रिटेशन स्किल ऑफ अ रिसीवर। किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस की कामयाबी इस बात पे डिपेंड करती है, इस बात पे मुनहसर करती है, आश्रित करती है कि जब रिसीवर को कोई मैसेज मिला तो रिसीवर ने उस मैसेज को कैसे डिकोड किया। डिकोड का मतलब होता है उस मैसेज को किस अंदाज में समझा, वो अपने स्किल, अपनी समझ, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो मैसेज उसको मिला है उसके आशय को, उसके सेंस को समझने की कोशिश करता है। अगर उसने मैसेज को सही इंटरप्रेट किया, बहुत सावधानी से उस मैसेज के आशय सेंस को समझने की सही ढंग से कोशिश की, तो उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा। अगर उस मैसेज को सही ढंग से इंटरप्रेट नहीं किया गया, नहीं समझा गया, तो उस मैसेज का रिस्पॉन्स नेगेटिव हो सकता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस की कामयाबी इस बात पर डिपेंड करती है कि रिसीवर ने मैसेज को किस तरह से इंटरप्रेट किया है। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक इज द फाइनल स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट इज द रिस्पॉन्स और रिप्लाई गिवन बाय द रिसीवर। इट इज द रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक जो है वो फाइनल स्टेज है, बिल्कुल आखिरी स्टेप है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया। जो रिसीवर तक मैसेज पहुंचा, उस मैसेज का रिएक्शन या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस मैसेज को इंटरप्रेट कैसे किया गया है। यह एक रिस्पॉन्स होता है कि आप तक जब मैसेज पहुंचा, आप रिसीवर हैं, अब आपका रिस्पॉन्स क्या है, जवाब क्या है उस मैसेज को लेकर। क्या आपका जवाब पॉजिटिव है तो आपका रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल है कि वो बेहतर होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपका रिस्पॉन्स उस मैसेज को लेकर बेहतर नहीं है तो आपका रिएक्शन नेगेटिव होगा। और यह किसी भी कम्युनिकेशन, किसी भी संप्रेषण का रिजल्ट होता है, नतीजा होता है। यहां पे देखिए फीडबैक के लिए दिखाया गया है कि ये थंब अप देखें। इसका मतलब ये है कि जो मैसेज इन्हें मिला रिसीवर को, उन्होंने ये मैसेज पसंद किया, इसलिए थंब अप का साइन आया। आप बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, आप किसी के मैसेज को, अगर उस मैसेज ने आपको इंप्रेस किया, आपको पसंद आया, तो आप उसे थंब अप देते हैं, यानी लाइक का साइन देते हैं। अगर वो मैसेज आपको पसंद नहीं आया तो फिर आप थंब डाउन का साइन देते हैं कि उस मैसेज ने आपको बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया, वो मैसेज आपको पसंद नहीं आया। तो ये जो पिक्चर है मैं आप बच्चों के लिए लेके आया हूं ताकि लिखे हुए वर्ड के साथ आप इस पिक्चर को रिलेट करके और आसानी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट इज अ सिचुएशन इन विच कम्युनिकेशन अकर। द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज डिपेंड्स ऑन पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट एंड द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। कहते हैं ना, सही बात, सही पर्सन और सही वक्त में की जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, बेहतर होता है। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं उस सिचुएशन को जिसमें कम्युनिकेशन की जाती है, संप्रेषण किया जाता है। इफेक्टिवनेस कि वो कितना असरदार है मैसेज, ये डिपेंड करता है पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे और एनवायरनमेंट पे जिस समय उस मैसेज को रिसीवर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। अगर वो मैसेज लिखकर है तो उसको पढ़ता है, अगर वो मैसेज बोल कर है तो उसे सुनता है, और अगर वो मैसेज इशारे में है तो उसे फील करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। वो किस मूड में है, किस जगह पे है, किस सिचुएशन में है, ये बहुत मायने रखता है उसके सही इंटरप्रेशन के लिए। इसे हम
एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग क्रिकेट टेक्निक्स इन अ कॉन्फ्रेंस रूम इज एन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन। अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं क्रिकेट के टेक्निक का कि क्रिकेट में कौन सी तकनीक लगाई जाए जिससे बैटिंग करना बॉलिंग करना बेहतर हो और ज्यादा से ज्यादा बैटिंग में रन किए जा सके, या कोई बॉलर कितनी क्विकली किसी बैट्समैन को आउट कर सकता है, उस टेक्निक को अगर आप कॉन्फ्रेंस रूम में जहां पे मीटिंग चल रहा है वहां डिस्कस करते हैं, तो आप कितने भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन क्यों ना करें, आपकी बात को सब लोग क्रॉस करेंगे और आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, लोगों का फीडबैक नेगेटिव होगा क्योंकि आपने सही समय पर सही बात नहीं की। वो जगह क्रिकेट टेक्निक की बात करने की नहीं है, बल्कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मीटिंग चल रही है, उसमें जो मामला डिस्कस करना है, उसमें जो बातें डिस्कस करनी है, उस पे होना चाहिए। सेकेंड है, अ पिकनिक स्पॉट इज नॉट द करेक्ट एनवायरमेंट टू एडवाइज ए स्टूडेंट अबाउट द क्लासरूम डिसिप्लिन। सपोज कर लीजिए कि आप सभी बच्चों को पिकनिक पर ले जाया गया, वहां पर ले जाने के बाद आपसे बात की जा रही है कि देखो क्लासरूम में स्टूडेंट को यह डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, तो नोबडी इज गोइंग टू टेक इंटरेस्ट टू लिसन दिस। तब कोई भी स्टूडेंट इस बात को सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि वह पिकनिक पे गया है एंजॉय करने के लिए, अपने मूड को फ्रेश करने के लिए, वहां चिल करने के लिए, ना कि उन टीचर की इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए। उसकी जो सही जगह है कि आप क्लासरूम के डिसिप्लिन को क्लासरूम में बताएं, तो वो टीचर कितने भी अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दे कि किस तरह से हमें क्लासरूम के डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए, वहां पे वो इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि वो जगह वो एनवायरमेंट इस बात के लिए अनुकूल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसको वन बाई वन करके हम सभी ने समझा। थैंक यू।